बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। मोहित साहू हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुलिस ने सगे छोटे भाई भूपेंद्र साहू को गिरफ्तार किया। छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। भाभी से एक तरफा प्यार और पैसे के लेन देन के चलते भाई को उतारा मौत के घाट। देर रात भाई के घर में चुपके से घुस कर कुल्हाड़ी से कई वार करते हुए उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आला कत्ल कुल्हाड़ी के साथ सगे भूपेंद्र साहू को किया गिरफ्तार। कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देशन में डीसीपी वेस्ट एडीसीपी वेस्ट कासिम आब्दी के नेतृत्व में चिनहट पुलिस को मिली सफलता। सर, एक मोहित नाम के शख्स की हत्या हुई है, अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में क्या चीजें आई हैं और कौन है आरोपी? आज सुबह लगभग 6:30 बजे चिनहट पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है कि ए ब्लॉक मकान नंबर 284 दयाल रेजिडेंसी में एक युवक का शव मिला है, जिसकी कि चाकू से वार करके जिसकी हत्या कर दी गई। मौके पर आलाधिकारी पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया जाता है और देखा जाता है कि उसके गले पर एक गहरा घाव था, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई है। शव को पंचायतवा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जो मोहित की जो पत्नी थी उनके द्वारा एक तहरीर दी जाती है थाने पर, जिसमें बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर के जो मोहित का भाई था भूपेंद्र साहू, ये मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने पुरानी रंजिश के चलते इसकी हत्या की है। तत्पश्चात पुलिस टीमें दबिश के लिए रवाना हो जाती हैं भूपेंद्र साहू की तलाश में। भूपेंद्र साहू की गिरफ्तारी होती है और जब उसको हिरासत में लेकर के जब डिटेल पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि मोहित साहू एक तरफा प्यार करता था, भूपेंद्र साहू एक तरफा प्यार करता था मोहित साहू की पत्नी से, यानी अपनी भाभी से। और इस संबंध से, क्योंकि मोहित खुश नहीं था और मोहित लगातार उसको कई बार वॉर्न कर चुका था, कई बार बहस भी हुई थी इन लोगों की, और इसने मोहित ने अपने घर से भूपेंद्र को निकाल दिया था। इस चीज़ की रंजिश लेकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना में जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो भूपेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर दी है। भूपेंद्र से पूछताछ चल रही है और आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की होगी वो की जाएगी। अभी फिलहाल भूपेंद्र को जुडिशियल कस्टडी के लिए जेल भेजा जा रहा है। आगे विवेचना में जो भी फैक्ट सामने आएंगे, तथ्य प्रकाश में आएंगे, उस हिसाब से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।